नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज है 13 जून और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कल के रिविजन के साथ। तो कल का रिविजन में था दोस्तों कि इन स्पेस मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। और दाविंची मिशन दोस्तों नासा द्वारा, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, और शुक्र ग्रह के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। कब? 2032 में लॉन्च किया जाएगा। मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो एन जे ओझा बने हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। और सभी पुरस्कारों के नामांकन व पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का क्या नाम है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। और अभी 15 सितंबर से जो है पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो A.R. रहमान बनाए गए हैं। और दोस्तों डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडियन बैंक के द्वारा। और आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर की जाएगी और जो है भारत की तरफ से कौन भाग लेगा, ये ध्यान देना है। तो नई दिल्ली भारत में की जाएगी। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद भाग लेंगे। और 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। और बात करें कि आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में 10 देश हैं। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए रोबोट किस संस्थान ने बनाया है? तो रोबोट का नाम है होमोसेप और बनाया है IIT मद्रास ने। UN महासचिव द्वारा प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। और महासचिव कौन है? अंटोनियो गुतेरस जो है वो UN के महासचिव हैं। अब दोस्तों कल के विशेष प्रश्नों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के करंट को यहां पर रखा गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देश का पहला वैक्यूम सीवर सिस्टम आगरा में लगाया गया। पहला अमृत महोत्सव रामपुर में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में शीर्ष राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सब्जी उत्पादन में शीर्ष उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? तो श्रावस्ती जिले से किया गया। और 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के आगरा में। और 40वें की बात करें तो मुंबई में किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों देखते हैं कि आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम परिवार स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल को ज्वाइन करें। और दोस्तों कल ही जो है उत्तर प्रदेश PCS का एग्जाम हुआ है। आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा तो उसमें अपनी क्लास से तमाम क्वेश्चंस फंसे हैं, जिनको मैंने बार बार आपको रिवाइज कराया है। तो दोस्तों उन प्रश्नों की श्रृंखला जल्दी ही आपको मिलने वाली है, जो भी करंट अफेयर्स है उसमें। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारी क्लास से उसमें आए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि 12 जून 2022 से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो 12 जून से शुरू हुआ है, कल से। तो दोस्तों कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि WTO का मुख्यालय भी कहाँ है? तो ये भी है जेनेवा में है, ठीक है। कौन सा जो है संस्करण है? तो ये 12वां संस्करण है, मतलब 12वां सम्मेलन है। भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन है? तो भारत की तरफ से भाग लेंगे पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये भाग लेंगे, ठीक है। बात हो रही है WTO की, तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। और कितने देश हैं इसमें? तो 164 देश हैं। और सबसे लास्ट में कौन देश शामिल हुआ है? तो अफगानिस्तान 164वां देश है जो कि WTO का सदस्य बना है। तो आप याद रखेंगे WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी दोस्तों बात करें बिम्सटेक, ठीक है। तो बिम्सटेक का 5वां सम्मेलन, ठीक है, कहां पर इसका जो है आयोजन होगा? तो ये दोस्तों होगा, आपको बताया जा चुका है कि श्रीलंका में इसका आयोजन होगा बिम्सटेक का, ठीक है। बिम्सटेक में ये आयोजन होता है दोस्तों राष्ट्राध्यक्षों का, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे कि ये कहां पर, श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई है। देखिए यूएन की सहायक महासचिव, महासचिव नहीं ये सहायक है, महासचिव एंटोनियो गुतेरस है और ये उनकी सहायक नियुक्त की गई है, एंटोनियो गुतेरस ने ही नियुक्त किया है। किसे? रबाब फातिमा को। ये बांग्लादेश की राजनयिक है। क्या है? बांग्लादेश की राजनयिक है रबाब फातिमा। ठीक है, यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है और यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 68,500 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखने ये सारे क्वेश्चंस। अब दोस्तों देखते हैं यूएनओ से संबंधित और भी क्या क्या चीजें हैं। तो यूएन महासचिव द्वारा प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कल की क्लास में आपने देखा था अमनदीप सिंह गिल को। यूएन का सबसे नवीनतम सदस्य मतलब 193वां देश, यूएन में टोटल देश 193 है, तो 193वां देश कौन बना है? तो ये दोस्तों बना है आपका दक्षिणी सूडान। कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है यूएन का सबसे अंतिम देश, मतलब सबसे नया देश आप कह सकते हैं कि यूएन का कौन बना है, ये बना है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे शामिल किया गया? ये क्वेश्चन भी आपको बताया जा चुका है, ये किया गया अरुणाभ घोष को किया गया। किसे? डॉक्टर अरुणाभ घोष को किया गया है। बात करें यूएन की स्थापना, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके कितने अंग हैं दोस्तों? तो इसके 6 अंग हैं। ठीक है, इस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी और आपको यूएन के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। डन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भांग को वैध, ये देखिए भांग है दोस्तों, भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया थाईलैंड। कौन बन गया दोस्तों? थाईलैंड बन गया है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। और एशियाई देशों की बात करें तो यू देखिए नेटो के सुरक्षा परिषद में, ठीक है, किसके? नेटो के सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो बन गया आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने कहा कि मुझे चीन, और दोस्तों जो उत्तर कोरिया है उससे खतरा है, इसीलिए वो नाटो के सुरक्षा समूह में शामिल हुआ है। चलिए दोस्तों और देखते हैं, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और बैंकॉक में आपने अभी देखा कि 2 बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कौन सी बैडमिंटन प्रतियोगिताएं? नाम क्या है? थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप में इतिहास रच दिया है किसने? भारत ने पहली बार थॉमस कप जीतकर, जो कि पुरुष बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, किसे हराया? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीत लिया है। और महिला प्रतियोगिता है उबेर कप, जिसे दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसे? दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसे हराकर दोस्तों? चीन को हराकर जीता है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन है। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश द्वारा गांजे, जिसे आप भांग भी कह सकते हैं, तो खेती को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया। और अफीम की खेती पर प्रतिबंध किस देश में लगाया गया? तो अफगानिस्तान, जबकि अफगानिस्तान की 75 से 80% की अर्थव्यवस्था का जो आगम था वो दोस्तों क्या था? अफीम की खेती ही थी, तो उसे जो है अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की बात किसने कर दी है? तो अफगानिस्तान ने कर दी है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर प्रतिबंध। तो यहां पर है भांग की खेती को वैध करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया गया? तो पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किन 2 देशों के बीच? एक तो है रूस और दूसरा है चीन। तो किन 2 देशों के बीच? रूस और चीन के बीच किया गया है। अब दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रूस और चीन के बीच पहला राजमार्ग पुल का अनावरण किया गया, ये किस नदी पर बना है? तो दोस्तों ये बना है आमूर नदी पर। किस नदी पर? आमूर नदी पर बना है। लंबाई है इसकी 1 किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे
रूस और चीन के बीच आमूर नदी पर 1 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। रूस के दोनों देशों के किन किन शहरों को जोड़ेगा? तो ब्लागोवेश्चेंस्क है रूस का शहर और हीहे है चीन का शहर, तो इन दोनों शहरों को ये राजमार्ग पुल जोड़ेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें याद करनी है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज, मतलब निलंबन फुट ब्रिज, कहां पर खोला गया है? तो ये चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य, 721 मीटर इसकी लंबाई है। अगला है, दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल कहां पर खोल दिया गया है? तो ये है वियतनाम में। नाम क्या है उसका? व्हाइट ड्रैगन। क्या नाम है? व्हाइट ड्रैगन नाम है। हिंदी में बात करें तो दोस्तों, बाख लांग पेडेस्ट्रियन ब्रिज या पैदल यात्री, इसी का नाम है व्हाइट ड्रैगन या बाख लांग पैदल यात्री ब्रिज, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा YSR यंत्र सेवा योजना, तो YSR यंत्र सेवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये है आंध्र प्रदेश के द्वारा। वहां के मुख्यमंत्री हैं YS जगमोहन रेड्डी। और इस योजना में क्या होगा दोस्तों? तो किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि मशीनरी जो है उपलब्ध कराई जाएगी। क्या क्या होगा उसमें? ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन जो आती है, मतलब कटाई करने वाली मशीन, तो ये सारी चीजें सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। डन है। अब याद कैसे करना है? तो YSR यंत्र योजना, तो YS जगमोहन रेड्डी, तो YS इनका नाम और YS जगमोहन रेड्डी, तो आंध्र प्रदेश आप तुरंत उत्तर लगा देंगे, YS जगमोहन रेड्डी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं और भी कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो ACB 14,400 एप्लीकेशन किसके द्वारा? तो एंटी करप्शन ब्यूरो 14,400 एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में और भी देख लीजिए, फल उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन रखता है? तो आंध्र प्रदेश रखता है फल उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश रखता है। अभी आपने देखा कि भांग की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किसने चलाया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने ही चलाया है। इतनी सारी चीजें तो आपको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट ही हो जानी चाहिए, ठीक है। अगला है उद्यम क्रांति योजना MP सरकार के द्वारा। आंचल योजना किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। और पुनीत सागर अभियान NCC नेशनल कैडेट कोर के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। किस बारे में है? तो ये उद्यम क्रांति योजना जो है मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है, वहां की युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए ऋण देना। आंचल अभियान जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए विशेष योजना चलाई गई है। और पुनीत सागर अभियान जो है प्लास्टिक कचरे से सागर और जो भी जो है जल संसाधन है उनको मुक्त करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? अब देखिए, अयोध्या में किसी एक प्रतिष्ठित क्रॉसिंग को चुन करके उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये घोषणा की गई है लता मंगेशकर जी के नाम पर रखने की। देखिए, लता मंगेशकर जिन्हें दोस्तों भारत की कौन सी कोकिला कहा जाता है? स्वर कोकिला। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। इनका निधन हाल ही में हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक किसी भी प्रतिष्ठित क्रॉसिंग को चुन करके उसका नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें, इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार चलाया गया। क्या? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और दोस्तों वो किसे दिया गया है पहली बार? तो किसे दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अब यहां पर नाम बदलने वाली बात आई है, तो आइए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदले गए नाम। जैसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम क्या करने की घोषणा हुई? हरिगढ़। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो कि मैनपुरी में है दोस्तों, उसका नाम बदल दिया गया है। किसके नाम पर रखा गया? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने
वर्ष 2023-24 के लिए किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि जो यूनाइटेड नेशंस का सुरक्षा परिषद है वो जो है उसमें दोस्तों 5 अस्थाई ठीक है और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। कितने? 5 अस्थाई और 10 अस्थाई और दोनों मिलाकर कुल 15 सदस्य होते हैं यूएनएससी में। ठीक है, इसमें से दोस्तों जो अस्थाई सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ठीक है, और दोस्तों ये बीच बीच में जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता रहता है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में 5 देश बदले गए हैं। तो उन 5 देशों में कौन कौन से देश हैं जिन्हें 2023-24 मतलब 2 वर्ष कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 5 अस्थाई देशों को चुना गया है। कितने? 5 अस्थाई देशों को चुना गया है। कितने वर्ष के लिए? 23 और 24, 2 वर्षों के लिए चुना गया है। तो कौन कौन से देश हैं दोस्तों? इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझिए, आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपको दे देगा कि इक्वेडोर, जापान, माल्टा और मोजाम्बिक के साथ निम्न में से किस देश को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है। तो 5वां देश आपको बताना रहेगा। इन चारों में से 4 का नाम देकर के 5ों में से 1 का नाम आपसे पूछ लेगा, या तो आपसे कहेगा कि निम्न में से किसे अस्थाई सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है, तो आपको इन 5ों में से 3 नाम दे देगा और 1 नाम बाहरी दे देगा, और जिसमें भारत का नाम देने के चांसेज सबसे ज्यादा रहेंगे। भारत का कार्यकाल दिसंबर 2022 में पूरा हो रहा है, 2 वर्ष का कार्यकाल। भारत वर्तमान में अस्थाई सदस्य के रूप में है यूएनएससी में, अस्थाई सदस्य के रूप में वर्तमान में भारत है, और उसका कार्यकाल 2022 के दिसंबर में पूरा हो रहा है। तो जब ये देश हटेंगे तब ये वाले देश में उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इन 5 देशों को चुना गया है। तो ये जो 5, ये 10 अस्थाई है, इनमें से 5 तो आपको बता दिए गए, बदले गए हैं। 5 जो अस्थाई सदस्य है इनको देख लीजिए, तो ये हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। इनको याद आपको कैसे करना है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि अमेरिका जो है महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अमेरिका हो गया, और दोस्तों एशिया महाद्वीप से आपको चीन और रूस 2 देश मिल जाएंगे, और आपको यूरोप से फ्रांस और ब्रिटेन, मतलब 3 महाद्वीपों से 5 देशों को चुन लिया गया, ये आप याद कर लेंगे। और आपको पता अस्थाई सदस्य 10 है, स्थायी सदस्य 5 है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि दुनिया की लघु संसद क्या है? दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है? आप लोग उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते रहिए कि दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स, ये 2 पुस्तकें हैं, ये किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण का संकलन है? तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं ना, ये भाषण है, भाषण को एक जगह संकलित किया गया है। तो कौन कौन से? लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स। ठीक है, तो ये दोनों किताबें हैं, इसमें भाषण का संग्रह, किसके भाषण का संग्रह किया गया है? तो आपके दिमाग में आएगा कि भाषण की बात हो रही है तो पीएम मोदी जी होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपने मोदी जी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको मोदी जी का भी नाम रहेगा, योगी जी का भी नाम रहेगा और राष्ट्रपति जी का भी नाम रहेगा। तो ये जो संकलन है दोस्तों, ये है राष्ट्रपति जी के भाषण का संकलन, मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भाषण का संकलन है। कौन सा? लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसे लॉन्च किसने किया? तो दोस्तों यहां पर 2 मंत्री आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों मंत्रियों ने, एक तो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और एक है, ये है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। तो इन दोनों मंत्रियों ने मिल करके, यहां पर देखिए दोनों लोग हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। किन किन लोगों ने? अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने। डन है, ये आप याद रखेंगे। चलिए कुछ और किताबें देख लीजिए। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, विनीत कार्डिक, टॉम बॉब्स एंड गीतांजलि सीरीज, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और ये भारत का पहला उपन्यास है जिसे हिंदी भाषा में
जो है मान बुकर पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों देखिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, किसने किया था? डेजी रॉकवेल। हिंदी में इसका नाम है रेत का मकबरा, अंग्रेजी में टॉम बॉब सैंड के नाम से अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। द बॉय हू रोट कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। मुझे ऐसा लगता है कि आपके यदि टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उनसे ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, कौन सा? द बॉय हू रोट कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क व जीएसटी संग्रहालय, राष्ट्रीय सीमा शुल्क व जीएसटी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है भवन, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या रखा गया है? धरोहर। क्या रखा गया है? धरोहर रखा गया है। और यहीं पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क व जीएसटी संग्रहालय मतलब जीएसटी म्यूजियम राष्ट्र को समर्पित किया है। किसने समर्पित किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने समर्पित किया है। आजादी का अमृत महोत्सव दोस्तों चल ही रहा है, उसी के अवसर पर इसे समर्पित किया गया है। अब ये है कहां दोस्तों? तो ये मंडावी नदी के किनारे गोवा में पणजी शहर में, कहां? गोवा के पणजी शहर में है। किस नदी के किनारे? मंडावी नदी के किनारे। नाम क्या है? धरोहर। आपको तीन चार चीजें यहां पर याद रखनी है। किसने समर्पित किया? निर्मला सीतारमण जी ने। क्या है? तो जीएसटी संग्रहालय है। कहां पर है? तो पणजी गोवा में है। नाम क्या है? धरोहर। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए गोवा के बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गोवा, ठीक है। और पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये भी कौन बना है? ये भी आपका बना है गोवा। कौन बना है दोस्तों? गोवा बना है, ठीक है। अब देखिए अगला है, अभी हाल ही में बीच विजिल ऐप, क्या था दोस्तों? बीच विजिल ऐप किसने जो है लॉन्च किया है? तो गोवा सरकार ने लॉन्च किया है। मैं बात करूं कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी हाल ही में बने हैं कौन दोस्तों? बने हैं प्रमोद सावंत। तो इतनी सारी चीजें आपको गोवा के बारे में क्या करना है? एकदम अच्छे से याद कर लेना है। और गोवा में ही पहला अल्कोहल म्यूजियम, क्या है दोस्तों? गोवा में ही पहला अल्कोहल म्यूजियम भी जो है बनाया गया है। कौन सा? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहां पर? गोवा में ही खोला गया है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, दो पुरस्कार, एक तो संस्थान को दिया गया है, दूसरा राज्य को दिया गया है। तो दो हो जाएगा, एक राज्य वाला हो जाएगा और एक संस्थान वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि किसमें दिया गया? तंबाकू नियंत्रण में। तो अभी आपने देखा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 31 मई को मनाया गया था। और उसकी थीम क्या थी? टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट, ठीक है, ये उसकी थीम थी। और दोस्तों कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। और इसमें बात की गई है कि संस्थान को, किस संस्थान को दिया गया? तो ये है PGIMER, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो दोस्तों ये कहां पर है? चंडीगढ़ में। आपको याद रखना है PGIMER चंडीगढ़। यदि आपको ऑप्शन दे देता है PGI चंडीगढ़, ठीक है, अगर दोनों चाहे ये मिल जाए, चाहे PGIMER चंडीगढ़ मिल जाए, तो दोनों में से जो भी आपको वहां पर ऑप्शन में मिले आप तुरंत उत्तर लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही है। डन है। अब दोस्तों ये तो संस्थान की बात हुई, राज्य की बात कर लेते हैं। तो किसे दिया गया? झारखंड को दिया गया है। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें तो आपको एकदम अच्छे से याद ही कर लेनी है। चलिए अब दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि एक एप्लीकेशन है, कौन सा? तंबाकू छोड़ो ऐप। क्या है? तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WHO ने। किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का क्विक रिवीजन। उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम परिवार स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी क्लासेस की PDF उपलब्ध कराई जाती है। चलिए दोस्तों आज का रिवीजन है, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर किया जाएगा? जिनेवा में। कब किया जाएगा? कब किया जा रहा है? 12 जून से। और संस्करण कौन सा है? 12 जून को 12वां संस्करण। कौन भाग लेंगे? तो पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, कौन? पीयूष गोयल भाग लेंगे। UN की सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो रबाब फातिमा। कहां की है? बांग्लादेश की है। UN की ये तो सहायक महासचिव है, यदि मैं सहायक नहीं
महासचिव की बात करूं तो कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है, और यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन है तो अब्दुल्ला शाहिद है। भांग की खेती या भांग को वैध करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड बना है। चीन व रूस के बीच पहला राजमार्ग पुल कहां पर, तो आमूर नदी पर 1 किलोमीटर लंबा है, ब्लागोवेंस्क व हीहे शहर को जोड़ेगा। YSR यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश, YS जगमोहन रेड्डी, ठीक है। और क्या है तो सस्ते कीमत पर कृषि मशीनरी जैसे कंबाइन मशीन है, ट्रैक्टर है, इन सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, अयोध्या की प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो लता मंगेशकर जी के नाम पर। और UNSC के वर्ष 2023-24 के लिए अस्थायी सदस्य कितने, 5 चुने गए हैं, कौन कौन, इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड चुने गए हैं, डन है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के स्वर व रिपब्लिकन एथिक्स, ये है बुक, ठीक है। इसमें किसके भाषण को रखा गया है, तो रामनाथ कोविंद जी जो कि भारत के राष्ट्रपति, इनके भाषण का ये संकलन है। अगला, राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST संग्रहालय किसके द्वारा, तो इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कहां पर किया गया, तो पणजी गोवा में किया गया, और नाम क्या है, धरोहर। आपसे पूछ ले कि किस नदी के किनारे, तो आप तुरंत बताएंगे कि मंडावी नदी के किनारे। तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार राज्य और संस्थान, देखिए यहां पर जब मैं आपका रिवीजन कराता हूं तो वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए राज्य में झारखंड और संस्थान में PGIMER चंडीगढ़ को दिया गया है, डन है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का विशेष, और आज का विशेष जो प्रश्न यहां पर दिया गया है, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में बनते ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी और भी इसका नेक्स्ट पार्ट भी रहेगा, इसको अलग से एक वीडियो में आपको करके दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित हो, मोटे अनाजों के उत्पादन से। अब इसमें देखिए यहां पर तो केवल यही बताया गया कि मोटे अनाज गेहूं चावल के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन इसमें और भी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। भारत में कब शुरू किया गया, 1966-67 में शुरू किया गया, किसने शुरू किया गया भारत में, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, कौन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये आपको याद करना रहेगा। और दोस्तों अगर हम बात करें विश्व में, तो नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं, और विश्व में अगर बात करें तो सबसे पहले हरित क्रांति कहां पर शुरू की गई, तो दोस्तों मैक्सिको में शुरू की गई, कहां पर, मैक्सिको में शुरू की गई। और मैं बात करूं कि चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई थी विश्व में, तो वो हुई थी फिलीपींस में, कहां, फिलीपींस में हुई थी। इसीलिए दोस्तों फिलीपींस के मनीला में कौन सा अनुसंधान केंद्र बनाया गया, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में बनाया गया। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के कटक में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो अगर देखिए भारत में कटक में है, और विश्व में बात करें तो मनीला में है, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र। इतनी सारी चीजें आपको अलग से जाननी पड़ेंगी, तो इसीलिए इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो दे दी जाएगी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया, क्या, ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछे किससे संबंधित है, आप कहेंगे बाढ़ से, नहीं मेरे भाई, ये दूध के बाढ़ से संबंधित है, मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 1 जून को, और राष्ट्रीय की बात करूं तो 26 नवंबर को, ठीक है। चलिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति, तो सरसों का तेल आपने देखा होगा कैसा होता है, पीला होता है, तो पीली क्रांति किससे, तिलहन, मतलब तेल वाली फसलें जो है उनके उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे है, तो ये उर्वरक उत्पादन से, मतलब उर्वरक का रंग जो होता है वो भूरा मान करके भूरी क्रांति किससे कह दिया गया, उर्वरक से कह दिया गया, तो उर्वरक और रसायन। रजत क्रांति, तो दोस्तों देखिए रजत क्रांति आप लोग ये मत समझिएगा कि ये जो है कपास से है, नहीं दोस्तों कपास से नहीं, रजत क्रांति जो है ये आपका है अंडा और मुर्गी पालन। आपने अंडा देखा ही है, अंडे का कलर कैसा होता है, रजत कलर, मतलब सिल्वर कलर का होता है, व्हाइट होता है ना, तो आप तुरंत लगाएंगे कि रजत। लाल क्रांति किससे है, तो दोस्तों ये है टमाटर, लाल होता है और मांस उत्पादन, तो टमाटर और मांस उत्पादन से है, कौन सा, लाल क्रांति। और यहीं पर मैं आपको एक और बता दूं, गुलाबी क्रांति, ठीक है, तो गुलाबी क्रांति आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मांस का रंग गुलाबी, तो मेरे दोस्तों मांस का रंग लाल मानिए,
तो लाल होगा लाल टमाटर और मांस दोनों, लाल क्रांति से, और गुलाबी क्रांति किससे है, झींगा उत्पादन से। क्या है, झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति। यहां पर है सुनहरी क्रांति दोस्तों, जिसे गोल्डन क्रांति भी कहते हैं। तो ये है बागवानी। बागवानी मतलब आपको ये भी मिल जाएगा कि फल उत्पादन, क्या है, फल उत्पादन और शहद उत्पादन। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, तो गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति, तो जो शहद का रंग होता है मेरे दोस्तों सुनहरा होता है, तो क्या करेंगे आप, तुरंत लगाएंगे सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन। और शहद कहाँ पर, तो दोस्तों आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि शहद जो है पेड़ पे मक्खियां लगाती हैं। ठीक है, तो आप तुरंत लगाएंगे पेड़ पे लगाती है, मतलब बागवानी, तो बागवानी और शहद दोनों से हो जाएगा। बादामी क्रांति किससे है, तो ये है मसाला उत्पादन से। किससे है दोस्तों, मसाला उत्पादन से है बादामी क्रांति। तो ये क्रांतियां हैं, इसकी एक अलग से वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, तो अब फिर से जो अपने क्लास का फ्लो था दोस्तों वो शुरू होने वाला है, तो हम लोग फिर से एकदम उसी फ्लो में अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों कल के प्रश्न को देख लेते हैं। तो कॉइन स्विच कुबेर द्वारा देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स कौन सा लॉन्च किया गया, तो CRE8। ठीक है, और CDS की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी कर दी गई है, तो ये 62 वर्ष कर दी गई। मतलब 62 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो होंगे वो इस पद के लिए चुने जाने के अयोग्य हो जाएंगे, लेकिन यदि 62 वर्ष से कम की उम्र के हैं तो वो CDS चुने जा सकते हैं। और इनका कार्यकाल, ये कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, तो 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। मतलब नियुक्त होने की अधिकतम सीमा 62 वर्ष और रिटायर होने की अधिकतम सीमा CDS पद से 65 वर्ष हो जाएगी। डन है, डन है दोस्तों। चलिए आज का आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में कितने खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन है 5, 11, 10 और 30। आपको बताया गया था कि भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किसने लॉन्च की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च की है, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। कितने खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा ये आपको बताना है। 2030 तक इसका लक्ष्य है कि भारत को जो अग्रणी वायु खेल वाले देश है उनमें शामिल कराना। 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो फिडे ओलंपियाड है कहां पर, चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। संस्करण कौन सा है, 44वां संस्करण है। रूस के मास्को में होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वहां से शिफ्ट कर दिया गया, कहां, चेन्नई में। ठीक है, तो अभी चेन्नई में दोस्तों उसके शुभंकर का अनावरण किया गया है। किसने किया है, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन है उन्होंने किया है। आपको बताना है कि नाम क्या है। 4 शुभंकर, चारों किस खेल के शुभंकर हैं ये भी आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि कल की पीसीएस की क्लास, जो पीसीएस का पेपर हुआ है, जितने भी हम लोगों ने अभी तक जब से हमने करंट शुरू किया उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है UPPCS में पूछे गए, तो UPPCS के तमाम क्वेश्चन जो है फंसे हैं उनको भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।